बिसमरकमरिम तमाम दिखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम भाई डर स्टूडेंट्स हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस विद एनालिटिक जोमेट्री का चैप्टर नंबर आठ और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर एस एम यूसुफ़ की बुक है डॉक्टर एस एम यूसुफ़ की बुक का चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन बहुत सारे स्टूडेंट की ये ख्वाहिश थी कि ये वाला चैप्टर जो है इसका आगाज़ किया जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर एक नंबर मिलेगा आपको ज़ीरो थ्री हंड्रेड डबल एट वन ज़ीरो सिक्स फोर ज़ीरो इस पर रबता करने से ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे ये नोट्स जो हैं ये आप तक कैसे पहुंचेंगे तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं टॉपिक है हमारा चैप्टर का नाम है एनालिटिक जोमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन जोमेट्री जो है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी वो पुरकार वगैरह कम्पस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट किस्म की जो है फिगर जो है वो बनाया करते थे लेकिन यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है एनालिटिक जोमेट्री का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है जो फिगर्स बनती हैं उन फिगर्स को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और एनालिटिक जोमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन से मुराद यानी किसी भी आप कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई लंबाई होगी चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी तो ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशन जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ भी डिनोट करते हैं ये फर्ज कर लिया एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक्चुअली जो है वो इसके परपेंडिकुलर है तो अब जो है ये मैं यहाँ पे इस तरह करके तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूँगा तो वो तो आपको नजर ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्लेन के अंदर है तीसरी डायमेंशन जो है वो स्पेस के अंदर आ जाएगी तो उसको मैं ऐसे तो नज़र नहीं आएगी तो उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली डायरेक्शन जो है इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ तो ये तीन डायरेक्शन्स तीन जो है ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो इसमें कोई भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट जो है उसकी जो पोजीशन होगी वो कुछ एक्स के लिहाज से होगी कुछ वाई के लिहाज से होगी कुछ जेड के लिहाज से होगी तो इसके अंदर चूंकि तीन एक्सिस इन्वॉल्व हो गए हैं तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये थ्री डायमेंशनस हैं अब अल्लाह तला ने हमें जो सलाहियत दी है आ, वो हमारी आँख जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को देख सकती है जो सिर्फ थ्री डायमेंशनल होती हैं साइंस ने ये साबित कर दिया हुआ है कि डायमेंशनस तीन से ज़्यादा भी हैं फ़ोर डायमेंशनल स्पेसिस भी होती हैं फाइव डायमेंशनल स्पेसिस भी एंड सो ऑन तो लेकिन हमारी आँख जो है अल्लाह ताला ने जो हमें एबिलिटी दी है वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम ऐसी फिगर्स को देख सकते हैं जिनकी थ्री डायमेंशनस है यानी उस चीज़ की कोई लंबाई होगी चुड़ाई होगी ऊंचाई होगी ठीक है जो ऐसी चीज़ जो फोर डायमेंशन और फाइव डायमेंशनस है अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत अता नहीं की कि हम उन चीज़ों को देख सकें और एज ए बींग मुस्लिम यह हमारा इतका भी है कि इस कायनात के अंदर जन्ात हैं फरिश्ते हैं और उसके अलावा अल्लाह ताला ने बड़ी मखलूक बनाई हुई है जो हमें नज़र नहीं आती तो हो सकता है कि जो मखलूक अल्लाह ताला ने जो इतनी सारी मखलूक बनाई हुई है जो हमें नज़र नहीं आती वो फोर डायमेंशनल हो फाइव डायमेंशनल हो ठीक है तो अगर हम किसी न किसी तरीके से इस काबिल हो जाते हैं कि हम फोर डायमेंशनल फिगर्स को या फाइव को देख सकें तो हो सकता है कि हमें इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएँ तो थ्री डायमेंशन से मुराद क्या हुआ करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्स जेड एक्सिस साइज यानी उस चीज़ की लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है ऊंचाई कितनी है बस ये देखें ये मेरे पास एक बॉक्स है ये देखें ये एक बॉक्स है मेरे पास ये बॉक्स जो है इसकी लेंथ है ठीक है ऊंचाई है और ये तो देखना ये ये थ्री डायमेंशनल चीज़ है तो कोई भी जो चीज़ जो थ्री डायमेंशन होती है उसके अंदर कोई ना कोई उसकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी तो थ्री डायमेंशन से बरात थ्री एक्सेस इसके अंदर जो है अब स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें जो फिगर्स वगैरह बनती हैं वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे राइट right. अच्छा ये देखें ये जो है ये थ्री मॉडल का जो है थ्री डायमेंशन का मॉडल जो है ये मैंने बनाया है ये आपको चूंकि बोर्ड जो होता है हमारा टू डायमेंशन होता है इसके अंदर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन जेड एक्सिस चूंकि इसके परपेंडिकुलर होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे तो नज़र नहीं आएगा तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया जी फ़र्ज़ कर लिया हमारा एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ये थ्री डायमेंशनल जो है ये मॉडल है हमारे पास तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे अब चूँकि ये है जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उस उसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन यानी ये, ये वाली जो ज्योमेट्री है ये कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है वो रिलेटेड है तो इसलिए थ्री डायमेंशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वेक्टर एनालिसिस के उनको जो है वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्टर क्या होता है बचपन से लेकर आज तक आप इसको डिफाइन करते आए हैं ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं वेक्टर द क्वांटिटी ये थ्री डायमेंशन के कंसेप्ट समझने के लिए वेक्टर एनालिसिस के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना बड़ा जरूरी है द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर भाई ऐसी चीज़ जिसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं ठीक है बस ये वेक्टर है वेक्टर क्या होगा वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है एक तो उसके अंदर होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है उसके अंदर डायरेक्शन ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो वेक्टर जो है ये मार्ज वजूद में आता है बस इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ दी जा सकती है अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है तो आप कहते हैं आई एम 18 इयर्स ओल्ड ठीक है आपका आंसर कंप्लीट है आप जो है ना वो टेलर के पास कपड़ा ख़रीदने जाते हैं आप कहते हैं नहीं मुझे थ्री मीटर कपड़ा चाहिए थ्री मीटर तो दुकानदार को समझ आ जाती है आप जाते हैं ग्वाले के पास उसको कहते हैं जी मुझे पाँच लीटर दूध चाहिए उसको समझ आ जाती है वो पाँच लीटर दूध दे देता है आपको ठीक है अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वेक्टर की मैंने फ़र्ज किया कि एक पायलट जहाज को लेकर उड़ता है थोड़ी देर बाद वो कहता है मैं एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर के फासले पर हूँ एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर के फासले पर है उसका ये आंसर कंप्लीट नहीं है उसका आंसर कब कंप्लीट होगा जब वो ये कहेगा कि मैं अब हमें क्या पता कि वो 25 किलोमीटर मशरक़ की तरफ है मगरब की तरफ है शमाल की तरफ है जनूब की तरफ है अगर वो कहेगा कि मैं 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हूँ तो तब उसका आंसर कंप्लीट होता है तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जब तक जिक्र नहीं करते तब तक मीनिंग्स क्लियर नहीं होते तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं वेक्टर तो इसलिए हमने वेक्टर को डिफाइन किया द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर ये स्केलर की एग्जांपल है जब आप कहते हैं आई एम एटीन जीयर्स ओल्ड बंदे को समझ आ जाती है जी आपको ये तो नहीं कहना पड़ता मेरी उम्र अठारह साल मशरक की तरफ है ठीक है मेरी उम्र अठारह साल मगरब की तरफ है आप कहते हैं आई एम एटीन जियर्स ओल्ड समझ आ जाती है मुझे थ्री मीटर कपड़ा चाहिए समझ आ जाती है ये नहीं कहना पड़ता थ्री मीटर कपड़ा जो है वो मुझे मशरक से दें मगरब की तरफ से दें नो नेवर नॉट एट ऑल फाइव लीटर दूध मुझे मशरक से दें नहीं तो ये सारी जो हैं ये स्केलर की एग्जाम्पल हैं वैक्टर कब कंप्लीट होता है जब हम डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए वेक्टर्स आर डिनोटेड द वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय क्योंकि ये एक तो पता चल गया स्केलर और वेक्टर में बड़ा फ़र्क है तो लिखने में भी तो कोई ना कोई फ़र्क आना चाहिए ना तो कैसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं फुल एरो लगा दें ऐसे करके ए बी फुल एरो लगा दें या सिंपल नीचे लाइन लगा दें ठीक है ये तरीका ये तरीका हाँ एक और भी है पुरानी किताबों में ये पुराना तरीका हो चुका है जो वैक्टर होता है उसको बाकी लफ्ज़ों की नस्बत बाकी वर्ड्स की नस्बत थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा जाता है देखें लिखने में कितना टाइम ज़ाया हुआ है ये ओल्ड फैशनड हो गया है ठीक है तो वैक्टर को डिनोट करने के लिए ये हाफ एरो का फुल एरो का या वेक्टर के नीचे इसके नीचे लाइन लगा देंगे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है अब चूंकि हमारा टॉपिक है वेक्टर इन थ्री डायमेंशन तो इसलिए अब हम पहले देखते हैं कि वेक्टर इन टू डायमेंशन क्या है टू डायमेंशन से होके फिर हम थ्री डायमेंशन की तरफ मूव करेंगे वेक्टर्स इन टू डायमेंशन से मुराद क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो लाइनें हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलरली कट करती हैं ये एक्स एक्सिस आ गया ये वाई एक्सिस आ गया इसके अंदर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट में कि कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी कोई ना कोई वाई की वैल्यू होगी मतलब फ़र्ज़ किया आप ओरिजिन पे खड़े हैं आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन टू थ्री यूनिट फासला तय करते हैं वन टू थ्री वाई एक्सिस के लॉन्ग वन टू तो एक्स के लॉन्ग थ्री फासला तय किया वाई एक्सिस के लॉन्ग टू फासला तय किया तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए थ्री कॉमा टू तो पहली को जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस को और दूसरी वैल्यू जो है वो वाई पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है अच्छा इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ मिला देता हूँ ऐसे करके तो ये क्या बन जाता है एक वैक्टर बन जाता है ओ से लेकर पी तक एक वैक्टर आ गया इस वैक्टर का नाम मैंने रख दिया ए तो एज वी नो दैट अ पॉइंट इन टू डन एज वी नो That a point in two dimensions in two dimensions is denoted as कैसे डेनोट करते हैं आप P X Y where X Y क्या हैं X Y आर द डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड कह लें डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली राइट राइट मस ये देखें ये आप दोबारा मैंने दोबारा समझाता हूँ आपको ये ओरिजिन पे खड़े हैं आप आप एक्स एक्सी के लॉन्ग वन टू थ्री तो वन टू थ्री एक्स एक्सी के लॉन्ग आप तीन यूनिट चले तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई थ्री वाई एक्सी के लॉन्ग वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर पहुँच गए अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे एक्स के लॉन्ग थ्री फासला तय किया है वाई के लॉन्ग फोर यूनिट फासला तय किया है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या लाएंगे थ्री फोर तो एज वी नो दैट अ पॉइंट इन टू डायमेंशन या एक्स वाई प्लेन इज डिनोटेड एज पी एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली अब ये जो आपका चैप्टर नंबर सिक्स और से, आ, सेवन है प्लेन कर्व का वो सारे का सारा टू डायमेंशंस ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड है ठीक है तो पॉइंट को तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड वेक्टर इन टू डायमेंशन इज टू डायमेंशंस इज ओ से लेकर पी तक इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई x, कॉमा वाई ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप और x i प्लस वाई जे के ऐसे भी लिख सकते हैं आप ठीक है x i प्लस वाई जे अभी मैंने चूंकि आपको बताया नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर i क्या होता है j क्या होता है तो इसलिए फिलहाल मैं वेक्टर को ऐसे ही लिखूंगा x, कॉमा वाई और उसके इर्द गिर्द स्क्वेयर ब्रैकेट जो है उसका इस्तेमाल करूंगा जब आप वैक्टर की बात करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का जिक्र किए बगैर तो आप रह ही नहीं सकते तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा ओ पी मैग्नीट्यूट इज इक्वल टू अब ये देखें आपके पास ये एक्स कॉमा वाई है और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास जीरो जीरो तो आपने ये मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसके बराबर है तो उसके लिए एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं आगे मैं डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ भी करूंगा डिस्टेंस फार्मूला क्या है एक्स के कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दो वाई के कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दो राइट right? उसका स्क्यर रूट ले लें तो ये जो दो पॉइंट हैं P1 और P2 इनका दरमियानी डिस्टेंस आ जाएगा अगर ये P1 है x1 y1 और ये P2 है x2 y2 and you are interested to find out the distance between these two points. What is the formula for that? ये फार्मूला है x वालों को आपस में माइनस कर दो y वालों को आपस में माइनस कर दो ये ऑलरेडी आप चैप्टर चैप्टर नंबर फोर जो सेकंड ईयर का है उसमें आप पढ़ चुके हैं तो आप ये देखें, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं जी ये एक्स वन वाई वन है ये एक्स टू टू है तो ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर का रूट विच इज इक्वल रूट ऑफ एक्स स्क्सर तो आज के बाद जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होगा तो कैसे मैग्नीट्यूड लिया करेंगे x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर तो ये था वेक्टर इन टू डायमेंशंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ दो से तीन प्रॉपर्टीज जिनका मैंने इस्तेमाल करना है उनको मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर वेक्टर इन टू डायमेंशंस टू डायमेंशंस ओके ओके स्वीटी एंड क्यूटी बॉय पहली नॉट ओनली स्वीटी एंड क्यूटी बॉय दिस इज अटेबल वर्ड स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स नंबर वन प्रॉपर्टी है मैं स्पोज कर देता हूँ मेरे पास एक वैक्टर ए है जिसके कोआर्डिनेट्स हैं एक्स वन बाय वन बी मेरे पास एक दूसरा वैक्टर है जिसके कॉर्डिनेट्स हैं एक्स टू बाय टू और अगर मैं इन दोनों को एड करना चाहता हूँ तो इनकी एडिशन का तरीकाकार क्या होगा इनकी एडिशन का तरीका कार एक्स X वाला एक्स X में ऐड होगा तो दैट विल बी इक्वल टू उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर टू है ये स्क्वायर ब्रैकेट है अभी दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट नहीं आप इस्तेमाल कर सकते ना ये वाली कर सकते हैं ना ये वाली ये सेट के लिए इस्तेमाल होती है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो फर्क है तीनों ब्रैकेट्स का आपस में ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर टू मेरे पास है जी एक ए एक्स वन वाई वन और के मेरे पास एक नॉन जीरो स्केलर है तो मैं के के साथ इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो K के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि दोनों एलिमेंट के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे K X1, K Y1, के इंटू एक्स वन के इंटू वाई वन यानी उसके मैग्नीट्यूड के अंदर तब्दीली आ जाएगी ठीक है अगर ये पॉजिटिव होगा तो बढ़ जाएगा नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा लेकिन इंट्रैक्शन दूसरी ऑपोजिट हो जाएगी के मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव ठीक है लेकिन ये जीरो नहीं होगा राइट right? के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो प्रॉपर्टी नंबर थ्री है कि इफ ए इज इक्वल टू बी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं यानी इसका मतलब है कि एक्स वन और वाई वन विल बी इक्वल टू एक्स टू वाई टू तो वट डू यू मीन बाई दैट पहला पहले के बराबर होगा दूसरा दूसरे के बराबर होगा ये तीन प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर इन टू की तो इनको जो है ये इनका आगे मैंने इस्तेमाल करना है ठीक है तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें अब मैं जो है ये टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन क्योंकि मेरा मेन टॉपिक क्या है मेरा मेन टॉपिक है थ्री डायमेंशन एनालिटिक जोमैट्री ऑफ थ्री डायमेंशन तो टू डायमेंशन से होते हुए अब हम थ्री डायमेंशन की तरफ मूव करते हैं वैक्टर इन थ्री डायमेंशन वैक्टर इन टू डायमेंशन से कोई ज्यादा डिफरेंट फर्क नहीं है सिर्फ वहां पर टू डायमेंशन थी यहां पर थ्री डायमेंशन है यानी पहले x एक्सिस y एक्सिस था अब तीसरे एक्सिस का इजाफा हो गया z एक्सिस जो कि यहां परपेंडिकुलर है तो पॉइंट इन स्पेस जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे p x y z के साथ ठीक है इसको ओरिजिन के साथ मिला देंगे ऐसे करके तो ये क्या बन जाएगा वेक्टर बन जाएगा ठीक है वेयर एक्स वाई जेड क्या हैं आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें आप ऑरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जीरो 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 डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर जेड माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ वैक्टर इन थ्री डायमेंशन बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी सिर्फ़ और सिर्फ क्या है यहाँ पे पहले एक्स वन वाई वन था जेड वन का इजाफा हो गया यहाँ पे जेड टू का ठीक है बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सेम हैं तो ये था वैक्टर इन थ्री डायमेंशन्स अभी जो है ये इंट्रोडक्शन जो है वो थ्री डी का जारी है अभी अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं मज़ीद कुछ वैक्टर की चीज़ें आपको बताऊँगा तो फिर उसके बाद जो है ये हम आ, जो थ्री है एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे कुछ आर्टिकल अब कल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आ, कुछ डेफिनेशन मसलन पोजिशन वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर क्या है उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ करेंगे रेशो फार्मूले का इस्तेमाल करें आ, प्रूफ करेंगे और उनकी मदद से फिर एक्सरसाइज जो है वो एट पॉइंट वन का आगाज़ करेंगे इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म कोई नीश खलास अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफ़िनेटली पसंद आया होगा अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा हाफिज़